Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we will read poem Tartary. So students, let's start with warm up exercise. Open page number 91 of your English fairy book. You went sailing and discovered a new island. आप समुद्री यात्रा पर गए और आपने एक नए टापू की खोज की. You are now the king or queen of your new kingdom. अब आप अपने नए राज्य के राजा या रानी हैं. Now give a name to the island. आपने जिस टापू की खोज की है उसको एक नाम दीजिए. What is special about the island? उस टापू की खासियत क्या है? How will you take care of your subjects? आप अपने लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे वहां पर? What three laws will you make as the new ruler? नए शासक बनके आप कौन से नए तीन नियम बनाएंगे वहां पर? तो स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन एंड राइट डाउन. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम टार्टरी. टार्टरी का मतलब होता है एक काल्पनिक दुनिया, अ लैंड ऑफ इमेजिनेशन. सो हियर इज द पोयम. इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं अपनी एक काल्पनिक दुनिया का राजा होता. Myself and me alone, मैं और मैं अकेला. My bed should be of ivory, मेरा जो बेड है वो आइवरी का होता. आइवरी यानी हाथी के दांतों का बना हुआ होता मेरा बेड. Of beaten gold my throne, और सोने की चादर से बना हुआ मेरा सिंहासन होता. थ्रोन कहते हैं सिंहासन को. And in my court should peacocks flaunt, और मेरे आंगन में पीकॉक्स यानी मोर गर्व से, शान से प्रदर्शन करते. फ्लॉन्ट मीन्स विद प्राउड, शान से. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे जंगलों में टाइगर्स यानी बाघ का बसेरा होता. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लैंट, और मेरे तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां तिरछा तिरछा तैरती स्लैंटिंग वे में. Their fins athwart the sun, और उनके जो पंख है वो धूप में चमकते. If I were lord of Tartary, अगर मैं टार्टरी का राजा होता. Trumpeters every day to all my meals should summon me and in my courtyards bray. Trumpeters मुझे हर रोज मेरे आंगन में ट्रम्पेट बजाकर खाने के लिए बुलाते. And in the evening lamps should shine yellow as honey, red as wine. और शाम को दीपक शहद जैसे पीले और शराब की तरह सुनहरे सुर्ख लाल रंग में चमकते. While harp and flute and mandolin made music sweet and gay. जबकि वीणा, फ्लूट यानी बांसुरी, और मैंडोलिन संगीत को और मधुर और आकर्षक बनाते. If I were lord of Tartary, I would wear a robe of beads, white and gold and green they would be. अगर मैं टार्टरी का राजा होता तो मैं मोती की, शुद्ध मोती की माला पहनता जो सफेद सुनहरे और हरे रंग के छोटे और बीज की तरह मोटे होते. And air should wane the morning star. I would don my robe and scimitar. And zebras seven should draw my car through Tartary's dark glades. And air should wane the morning star. और सुबह के तारों के धीमे होने से या गायब होने से पहले. I would don my robe and scimitar. मैं अपनी माला और सिमेटर कहते हैं घुमावदार तलवार को, कर्व्ड स्वर को. सुबह होने से पहले मैं अपनी माला पहनकर और घुमावदार तलवार को हाथ में पकड़कर और टार्टरी के जंगलों में घूमने निकलता. और मेरी जो कार है उसको सेवन जेब्रास खींचते. मेरी कार को सात जेब्रों के द्वारा खींचा जाता. लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स ऑफ टार्टरी, टार्टरी के फलों के शासक. हर रिवर्स सिल्वर पेल, और उनकी जो नदियां होती वो चांदी के कलश की तरह होती. यानी मेरी इमेजिनरी लैंड की
जो नदियां हैं वो चांदी के कलश की तरह होती हैं। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्ट्री, और टार्ट्री की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियों के राजा होती। ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल, वहां की संकरी घाटी, जंगल और वादियां। हर फ्लैशिंग स्टार्स, वहां के चमकते तारे। हर सेंटेड ब्रीज, और वहां की सुगंधित हवा। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, ट्रेम्बलिंग यानी हिलते हुए, वहां के हिलते हुए झरने। और लाइक फोमलेस सीज, और झाग रहित समुद्र, वहां के हिलते हुए झरने और झाग रहित समुद्र। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन ट्रीज, और वहां की जो चिड़ियें हैं वो सिट्रॉन ट्रीज पर बैठकर और खुश होती, खुशी फैलाती चारों तरफ। सिट्रॉन ट्रीज कहते हैं एक तरह का थॉर्नी एवरग्रीन स्मॉल ट्री है, कांटों वाला सदा हरा भरा रहने वाला छोटा सा पेड़ होता है सिट्रॉन ट्रीज। इन एवरी पर्पल वेल, और हर ये सब कहां होते, प्रत्येक पर्पल रंग की घाटी में, बैंगनी रंग की घाटी में सिट्रस पेड़ पर चिड़िया बैठकर चारों तरफ खुशी फैलाती। तो ये थी कविता वॉल्टर डी ला मेयर द्वारा लिखी हुई। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स राइट हार्ड वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। दीज आर हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस पोएम, लेट्स रीड देम फॉर करेक्ट प्रोनंसिएशन। आइवरी, थ्रोन, फ्लॉन्ट, हॉन्ट, ट्रम्पीटर्स, कोर्टयार्ड, ट्रेम्बलिंग, सिट्रन, सेंटेड, थिकेट। नाउ लेट्स राइट वर्ड मीनिंग। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट इज अथवर्ट, अथवर्ट मीन्स अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी खिलाफ। समन, समन मीन्स कॉल, बुलावा। हार्प, अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रिंग वाला तारों वाला इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंडोलिन, अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दैट रिजेंबल्स द गिटार, एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गिटार की तरह दिखता है, मैंडोलिन। वेन, टू बिकम डिम यानी धीमा होना। सिमेटर, अ कर्व्ड स्वॉर्ड, घुमावदार तलवार। ग्लेड्स, ओपन स्पेसेस इन द फॉरेस्ट, जंगल में खुली जगह। ग्लेन, अ नैरो वैली, एक संकरी घाटी। वेल, वेल मीन्स वैली, घाटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन ऑन पेज नंबर 93। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द स्पीकर्स थ्रोन वॉज मेड ऑफ, स्पीकर की जो राजगद्दी थी वो किसकी बनी थी, उसका सिंहासन किस चीज का बना था, गोल्ड, टिक ऑन गोल्ड। इन द इवनिंग द स्पीकर वुड हियर द म्यूजिक ऑफ, शाम को स्पीकर किसका संगीत सुनेगा, द हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन। सो टिक ऑन द हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन। थर्ड इज हिज कैरेज वुड मूव थ्रू, उसकी गाड़ी कहां से गुजरेगी, करेक्ट आंसर इज टार्ट्रीज ग्लेड्स। सो टिक ऑन टार्ट्रीज ग्लेड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बी गिवन ऑन पेज नंबर 94। मैच ईच स्टैंजा टू इट्स समरी ऑफ द पोएम, देन राइट द समरी इन योर नोटबुक्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, दिस पोएम हैज फोर स्टैंजास एंड इन कॉलम बी, नेक्स्ट कॉलम, इट्स समरी इज रिटन। सो यू हैव टू मैच द कॉलम विद इट्स समरी, स्टैंजा को आपको उसकी समरी के साथ मैच करना है। सो स्टैंजा वन, इन स्टैंजा वन द स्पीकर इमेजिन्स व्हाट हिज बेड एंड थ्रोन वुड बी मेड ऑफ एंड द एनिमल्स विच वुड लिव इन हिज किंगडम, उसका बेड और उसका सिंहासन किस चीज का बना होगा और उसके राज्य में कौन कौन से जानवर रहेंगे। सो मैच स्टैंजा वन विद सी। नाउ स्टैंजा टू, मैच इट विद ए, द स्पीकर इमेजिन्स हिज मील टाइम्स एंड द इवनिंग्स ही वुड स्पेंड विद शाइनिंग लैम्प्स एंड ब्यूटिफुल म्यूजिक। इस स्टैंजा में स्पीकर इमेजिन करता है कि उसका खाने का समय कैसा होगा और शाम को वो कैसे सुनहरे दीपकों और सुंदर संगीत के साथ बिताएगा। नाउ स्टैंजा थ्री, मैच इट विद डी, द स्पीकर इमेजिन्स राइडिंग थ्रू टार्ट्री इन अ कार पुल्ड बाय ज़ेब्रास, वियरिंग अ बीडेड रोब एंड होल्डिंग अ सिमेटर।
यहाँ पर स्पीकर इमेजिन करता है कि वो टार्ट्री में अपनी कार से गुजरेगा, जिसको ज़ेब्रास खींचेंगे। क्या पहनकर निकलेगा? मोतियों की माला और घुमावदार तलवार को पकड़कर निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, मैच स्टैंजा 1 विद सी, स्टैंजा 2 विद ए, स्टैंजा 3 विद डी एंड स्टैंजा 4 विद बी। नाउ लास्ट एक्सरसाइज, माय वर्ड बैंक। नाउ हियर राइट द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड इन दिस पोयम, द वर्ड्स व्हिच आर न्यू टू यू। सो राइट डाउन दोज वर्ड्स। फर्स्ट इज ऑथवर्ड, समन, हार्प, मैंडोलिन, ग्लेड्स, सिमिटर। If you find any other word new to you, you can write in this column. So that's all for today, students. I hope you like my way of teaching. If you like it, press on like button. You can share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel. So that's all for today. We'll meet again with another video. Till then, bye-bye. Have a good day, children.